रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ रजब के महीने में रजब की जो न्याज बनती है, मीठी टिक्कियों से बुलाया जाता है और कुंडे भी बुलाया जाता है, तो ये आज मैं बनाऊंगी। आप जरूर मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी टिक्कियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी। तो इसके लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जितनी भी मिकदार बनानी है टिक्कियों की, आप उसी तरीके से बर्तन आप एक ले लीजिएगा, चाहे आप कोई प्याली ले लें, कोई ग्लास ले लें या कप ले लें, आप उसी का मेजरमेंट कीजिएगा। मैंने ये ग्लास लिए हुए, तो इसी हिसाब से मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, ये आप नोट करते रहें। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 कप जो मैंने लिया है मैदा, और 1 कप मैंने ली है पिसी हुई चीनी, ठीक है जी, और 1 कप मैंने ली है बारीक सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो कोई मसला नहीं है, आप मिक्सर जार में डालें और उसे बारीक कर लें। और मेल्ट किया हुआ 2 टेबलस्पून जो है ये घी है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर है और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, और 2 टेबलस्पून जो है ये है व्हाइट वाले तिल, और 2 टेबलस्पून जो है ये क्रश किया हुआ कोकोनट है, और इसके अलावा 2 टेबलस्पून जो है ये मिल्क पाउडर। और मैंने किया हुआ यहाँ पे नीम गर्म दूध, जिसे हमने इस्तेमाल मिक्सर को मिक्स करना है यानी कि गूंदना है। तो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने पिसी हुई चीनी जो है 1 गिलास ये मैंने शामिल करनी है। आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि ये आप रजब के महीने में बनाएं, या आगे पीछे भी आप लोग बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो मैंने आपको बताया था 1 गिलास नीम गर्म दूध, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इससे हमने जो गूंदना है मैदे को, ये दूध और चीनी वाले पानी से ही हम गूंदेंगे। आपको एक चीज और बता देती हूँ कि आप चीनी की जगह पे गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर गुड़ आप लेंगे तो जैसे मैंने 1 कप यहाँ पे चीनी इस्तेमाल की है, तो आप 2 कप गुड़ लीजिएगा, तो फिर जो है मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 2 कप मैदे में 2 कप ही आप गुड़ लें। ये मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और एक साइड पे इसको रख देते हैं। अब एक और मैंने बॉल ले लिया है, इसमें जो बाकी चीजें हैं ये मैं शामिल करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसे गूंदेंगे। अब तिल, इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर, कोकोनट क्रश किया हुआ, मिल्क पाउडर और सूजी। पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कोई भी इसमें अगर कोई गुठली वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगी। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल फरी राना कुकिंग को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, आप लोगों की तरफ से ये एक प्यार होता है और मेरी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकॉन को जरूर जरूर प्रेस किया करें, इससे आने वाली जो भी मेरी न्यू वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाता है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब ये मेल्ट किया हुआ घी है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ये घी है, इसे मैं शामिल करूंगी बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं और डाल लूंगी। अब हाथों की मदद से मिक्स कर लें आप सारे घी को। थोड़ा सा घी में और शामिल कर देती हूँ। अब जो दूध और चीनी मैंने अलहदा से रख दी हुई थी उसे हम इसे गूंद लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से दूध शामिल नहीं करना, ये हमने ज्यादा पतला नहीं करना इसे, एकदम से दूध शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसे पतला नहीं बनाना, इसे सख्त बनाना है। इसकी डो जो है, जो तैयार करेंगे हम लोग, वो थोड़ी सख्त होगी तो ही सही टिकियां बनेंगी। लाइक किया करें आप मेरी वीडियो को, स्किप ना किया करें, ज्यादा ज्यादा से आप शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड्स में। ये स्टार्ट में थोड़ा सा हाथों को चिपकेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा हाथों में घी ले लें, उससे हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है। जी तो ये देखें, अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा जो बैटर बनाया है हमने ये थोड़ा सा पतला हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी शामिल कर सकते हैं। पहले आपको थोड़ा लिक्विड ही लगेगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा क्योंकि अगर हम पतला बैटर बनाएंगे तो टिकियां अच्छी नहीं बनेंगी, थोड़ा सख्त ही हम रखेंगे तभी ये अच्छी बनेगी टिकियां। ये देखिए बर्तन को भी छोड़ दिया है, इस तरीके से हमने बनाना है। अब थोड़ा सा मैं हाथों को घी लगाऊंगी और इसके ऊपर लगा के ताकि ये खुश्क ना हो, मेल्ट किया हुआ जो घी है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी थोड़ा सा, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे मैं ढक के तो रख देती हूँ। 10-15 मिनट हो गए, इसे मैंने सेट करने के लिए रख दिया था। अब मैं थोड़ा सा हाथों को घी लगा रही हूँ, कर लेते हैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हम लोग पेड़ा बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मैदा थोड़ा सा मैंने छिड़का, वैसे जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप घी भी लगा लें हाथों को तो फिर भी ये ठीक रहेगा। बेलन की मदद से इसे हम प्रेस कर लेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे रोटी की तरह बेल लेंगे, ना तो ज्यादा हमने इसे मोटा करना है और ना ही ज्यादा बारीक, बस नॉर्मल हमने टिक्की बनानी है। अगर तो ज्यादा बारीक हम टिक्की बनाएंगे उससे ये होगा कि जो टिक्की है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। आप कोई सा भी अगर आपके पास मोल्ड है राउंड वाला तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, या किसी बॉटल का आप ढक्कन ले लें, या इस तरीके का कोई भी ग्लास लेके तो आप इसे टिक्की की शक्ल दे लें, बहुत इजी इस तरीके से बन जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम अलहदा कर लेते हैं। और ये देखें बस इतनी ही, इतनी टिक्की की जो मोटाई है बस हमने इतनी ही रखनी है, ना तो ये ज्यादा बारीक है और ना ही ज्यादा ये मोटी। ठीक है जी, अब सारी जो टिक्कियां हैं इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। एक दफा पहले सारी टिक्कियां बना लेंगे, उसके बाद फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे।
जी, तो सारी टिक्कियां मैंने बना के रख ली हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या बना दिया है। ये मैंने अपने छोटे बच्चे के लिए मैंने बनाया है, तो इस तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शौक से खाएंगे। ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया। थोड़ा सा जो इसका इसकी डो थी बच गई थी, मैंने इस तरह इसका छोटा सा बॉल बना लिया। ये देखें छोटा सा बॉल बन गया। एक फोक लें, इसके ऊपर ये जो बॉल है छोटा सा, इसको दबा के ऐसे आप प्रेस करें और आराम से ये देखें इस तरीके से आप डिजाइन बना लें। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह बच्चे भी शौक से खा लेंगे और अच्छा भी लगेगा देखने में। तो टिक्कियां मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब मैंने फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है घी। ऑयल में इसे ना बनाइएगा, ऑयल में इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, ऑयल में ज्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। तो मैंने घी शामिल किया है गर्म होने के लिए। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ, और ज्यादा हाई आपने फ्लेम नहीं करनी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप जरूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत मजे की टिक्कियां बनेंगी। इसी तरीके से आप रजब की नियाज बनाएं। और कम से कम आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपने इसको कलर दिलाना है। ज्यादा हाई फ्लेम, मैं बार बार कह रही हूँ कि ज्यादा हाई फ्लेम हमने नहीं करनी। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये टिक्कियां फौरन से जल जाएंगी और अंदर तक नहीं पकेंगी। देखें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ गया है, सुनहरी कलर इसका टिक्कियों का हो गया है। आंच को बिल्कुल मैंने स्लो किया हुआ है, पहले मीडियम थी फ्लेम इसकी, उसके बाद मैंने स्लो कर दिया इसे। और टिक्कियां भी जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह फूल चुकी हैं। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। और इस तरीके की कोई सी भी आपके पास छन्नी है तो आप कोशिश करें कि आप इसी में निकालें, ताकि अगर एक्स्ट्रा इसका जो घी वगैरह है वो निकल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कलर, कैसा खूबसूरत कलर आया इनका, बस यही कलर हमें चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारी टिक्कियां जो हैं ये मैंने फ्राई कर ली हैं। लास्ट में ये एक रह गई थी, अब ये मैं इसे कर रही हूँ फ्राई। तो इसके बाद मैं डिश आउट करके आपको इनकी फाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैंने टिक्कियां सारी बना ली हैं। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और इनकी क्रंचीनेस जो है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जरा, ये देखें माशाल्लाह से, और ये काफी गर्म है। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह और कितनी क्रंची हमारी टिक्की बन तैयार हुई है। तो जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसे मैं खा के भी बताती हूँ माशाल्लाह कि इसकी चीनी वगैरह कैसी है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। आप जरूर इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और रजब की नियाज आप बनाइएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने बड़ों का, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।